महादेव के भक्तों को मुसीबत में उन्हें पुकारना नहीं पड़ता, वे खुद ही चले आते हैं। कभी सच्ची श्रद्धा से खड़े होकर देखो उनके दरबार में, कभी सच्ची श्रद्धा से खड़े होकर देखो उनके दरबार में, वो बिना बताए ही सारे दर्द समझ जाते हैं। और उन्हीं की कृपा है जो आज तक हुआ है, उन्हीं की कृपा है जो आज तक हुआ है। कोई हंसते हुए चेहरे का नाम पूछे ना तो कह देना बस भोलेनाथ की दुआ है। दोस्तों, आज हम आपके साथ भगवान महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाले हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना मात्र 1.5 महीने पूर्व की है, जिसे सुनने के बाद आपका रोम रोम भगवान शिव का नाम लेने लगेगा। तो आज की यह चमत्कारिक घटना हमें लिखकर भेजी है दिल्ली के जाने माने डॉक्टर संजीव जी श्रीवास्तव ने। उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार कोरोना काल के अंदर महादेव ने उनकी सहायता की व उनकी मदद भी की। पूरा दृष्टांत आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। संजीव जी ने हमें बताया कि मैं पिछले 3 से 4 महीने से अपने भर बार की चिंता छोड़कर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में कोरोना काल में कोरोना मरीजों की सेवा में समय व्यतीत कर रहा हूँ। ऐसे में सभी लोग हमें कोरोना योद्धा कहकर बुला रहे हैं। वे बताते हैं कि मैं महादेव का अनन्य भक्त हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से बिना डरे मैं अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना मरीजों की सेवा कर रहा हूँ। परंतु 1.5 महीने पूर्व की बात है, लगातार 1 महीने तक कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए, उन्हें सही करते हुए डॉक्टर संजीव जी श्रीवास्तव की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनके साथ साथ साथीगण भी अब समझ गए थे कि यह कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत समय से कोरोना मरीजों के बीच में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। ऐसे में संजीव जी बहुत ज़्यादा डर गए, उन्हें अपने परिवार की चिंता बहुत ज़्यादा सताने लगी। इसके बाद वे बताते हैं कि मुझे 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन रूम में रखा गया, जहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल हुआ करता था, जिससे मैं अपने घर के सदस्यों के साथ बात किया करता था और मैं अपनी नेगेटिव रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा था। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी रिपोर्ट भी आ गई। पर दोस्तों, रिपोर्ट उनके मन के मुताबिक नहीं आई थी, क्योंकि उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। वे जानकर बहुत डर गए, सहम गए और अपने भगवान महादेव का नाम स्मरण करने लगे। उन्होंने अपने मोबाइल में महादेव का फोटो निकाला, मोबाइल को अपने सामने लाए और उनसे यह प्रार्थना की कि मैं पिछले कई दिनों से कोरोना मरीजों की पूरे दिल से देखभाल और उनका इलाज कर रहा हूँ। ऐसे में अगर मुझे ही कोरोना हो जाता है तो बाकी मरीजों का क्या होगा, उनका ध्यान कौन रखेगा। मैंने अभी भी हार नहीं मानी है और मैं उन सबको ठीक करना चाहता हूँ, परंतु पहले आपको मुझे ठीक करना होगा ताकि मैं उन सभी लोगों को ठीक कर सकूं। ऐसा कहकर कुछ दिन, 10 से 12 दिन उन्होंने अपने क्वारंटाइन रूम में ही समय बिताया, जहां उनका इलाज होता रहा। और एक चमत्कारिक घटना फिर उनके साथ हुई। वे अचानक से स्फूर्तिवान और काफ़ी जोशीला महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने एक बार और अपनी रिपोर्ट निकलवाने का डॉक्टरों से अनुरोध किया और जब उनकी वापस रिपोर्ट आई तो वह कोरोना नेगेटिव आई थी। सब लोग यह देखकर और जानकर हैरान रह गए कि मात्र 12 दिन के समय में कोई शख्स पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे हो सकता है। परंतु संजीव जी यह समझ गए थे कि यह उनकी प्रार्थना का ही असर था जो भोले बाबा के दिल को छू गई, और वे तो भोले हैं, वो अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। कोरोना से बाहर निकलकर उन्होंने फिर से अपना कर्तव्य निभाया, रोजाना की तरह फिर से वह मरीजों की सेवा करने लगे। दोस्तों, डॉक्टर भी भगवान का ही एक रूप माने जाते हैं और यह हमें बताया है दिल्ली के जाने माने डॉक्टर संजीव जी श्रीवास्तव ने। दोस्तों, आंधी तूफान से तो वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं, और वे लोग तो मौत को देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। आपसे विनती है कि अगर घटनाक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और हमेशा ऐसी चमत्कारिक घटनाओं को प्राप्त करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और साथ ही में घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए। फिलहाल के लिए आप सभी को हर हर महादेव।